अस्सलाम वालेकुम मामा लोग, कैसे हो आप लोग? खैरियत से हो? ठीक ठाक उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो कोरोना का सिलसिला स्लोली स्लोली ख़त्म होता जा रहा है पूरी दुनिया से, और रोज़मर्रा की चीज़ें वापस स्टार्ट हो रही हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खुल रहे हैं और लोग अपने जॉब्स पे वापस जा रहे हैं। कोविड ने यार बड़ा रगड़ा दिया है सबको, सबके बिजनेस जॉब्स वगैरह तबाह कर दिए हैं। और इस वक्त 2020 में मैंने ख़ुद एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया। पिछले 1, 2, 3, 4 हज़ार सालों से मैं अपने दोस्तों के साथ प्लान कर रहा था नॉर्दर्न एरियाज़ विज़िट करने के लिए, तो फाइनली वो प्लान जो है सक्सेसफुल हुआ। तो मामा लोग, हम सब एक पेज पर आए और हमने डिसाइड किया कि इस साल हम जा रहे हैं विज़िट करने कुमराट। सब कोविड की वजह से मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान थे, मुझे भी ब्रेक चाहिए था, बाकी सबको भी ब्रेक चाहिए था, और हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे और इस साल कुमराट विज़िट करेंगे। मामा लोग, चलिए आप लोग को दिखाते हैं अपनी ट्रिप का पहला दिन। 10 मुहर्रम का दिन था, हमने सुबह स्टेशन पहुँचना था और हम निकल रहे थे पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस से। नेटवर्क सर्विसेज बिल्कुल बंद थी, रोड ब्लॉक्स थे, बड़ी मुश्किल से हम सब स्टेशन पहुंचे और हमने अपनी ट्रेन पकड़ी। मैंने सोचा कि स्टेशन जाके वहां पर व्लॉगिंग करूंगा, आपको अपनी ट्रेवल कंपेनियन से मिलाऊंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। हम सब बहुत देर से स्टेशन पहुंचे, बड़ी मुश्किल से ट्रेन अपनी पकड़ी, और ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा रश था। अपने सामान वगैरह हमने अभी तक सेट ही नहीं किए थे और ट्रेन चल पड़ी थी, और बड़ी मुश्किल से हम सिबी तक पहुँचे। ठीक 12 बजे हम पहुँचे सिबी। वहाँ पर मैंने सोचा कि यार क्यों ना गर्मी के हवाले से मैं मामा लोगों को कुछ अपडेट देता चलूँ, और मैंने कैमरा निकाला और कैमरा दिया अपने दोस्त को। तो जैसे ही मैंने अपना कैमरा अपने दोस्त को दिया, मेरे दोस्त ने पूरी की पूरी वीडियो ब्लर बना दी। लिटरली 5 मिनट्स पहले हमने ट्रेन पकड़ा और काफ़ी देर हुई, काफ़ी इनकन्वीनियंस हुई। 2 मिनट आखिरी 5 मिनट में हमने ट्रेन पकड़ा और सामान वगैरह भी नहीं रखे थे, तो हमें मौका नहीं मिला व्लॉग बनाते हुए, वरना हम कोटा से डायरेक्ट व्लॉग बनाते। अब हम पहुँचे हैं सिटी, काफ़ी गर्म वेदर है, तो कोशिश करते हैं आप लोग को ये नज़ारे इन्जॉय कराएँ, और ये जो जितनी व्यू है हम ये चीज़ें आप लोग को इन्जॉय कराएँ। काफ़ी गर्म वेदर है यहाँ पर, और दुआ यही है कि ट्रेन जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले। तो मिलते हैं आप। पूरी की पूरी वीडियो ब्लर बना दी। वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो भाई, आपको अपने दोस्त को हमेशा से सपोर्ट करना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। भाई जो भी करता है वो आपके लिए करता है, बंदा माँ के पेट से सीख के तो नहीं आता ना, तो अपने दोस्त को हमेशा सपोर्ट करो। ब्लर बनाएगा ना, ब्लर वीडियो बनाएगा। हाँ तो भाई, खैर बड़े मुश्किल से वो दिन हमारा गुजरा। बहुत गर्मी का दिन था और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं किया कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उस दिन वीडियो नहीं बनाई हमने, और बड़ी मुश्किल से वो दिन गुजारा हमने। अगले दिन आसमान में बादल छाए हुए थे और बड़ा रोमांटिक सा मौसम था, और फिर मेरा दिल किया कि भाई अब कैमरा निकालो और यहाँ पर शॉर्ट्स लो। और लाहौर के बाद रावलपिंडी तक और पेशावर तक बहुत ही बढ़िया किस्म के मैंने शॉर्ट्स लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ वहाँ हमें देखने को मिले। जो व्यूज़ थे मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकता। We'll be right back.
हम लोग पहुंचे रात के 10 बजे पेशावर, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हमने होटल में चेक इन करना था और चेक इन करते हुए हमें बज गए 12। हम फ्रेश हुए, खाना वगैरह खाया और सुबह हमने निकलना था कुमराट के लिए। हमारे पास टाइम कम था, बाकी तैयारियां करनी थी, तो हमने फैसला किया कि हम सो जाते हैं। तो मामा लोग सुबह हमने निकलना था कुमराट के लिए और कुमराट का सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा था, मज़ीद 8-10 घंटों का सफ़र हमने और करना था। तो मैंने फैसला किया कि मैं सो जाता हूँ और नेक्स्ट डे वीडियो बनाता हूँ। नेक्स्ट डे भी मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो मामा लोग ये था व्लॉग का पार्ट 1, मिलते हैं आपसे व्लॉग के पार्ट 2 में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में। कैसे?